नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम आए हैं, इस जगह का नाम है श्री दुर्गिया तीर्थ, जो कि अमृतसर में है। और अमृतसर ट्रिप का मेरे जो ये वीडियो है, ये इसका पार्ट 6 है। तो अभी ऑटो वाले भैया, इन्होंने मुझे बाहर छोड़ दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। मेरा बैग मैंने वहीं पर रख दिया है और मैंने अपनी स्लीपर भी वहीं पर उतार दिए ऑटो में ही। अंदर अगर आप स्लीपर के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो काउंटर है एक, वहाँ पे शूज़ का, वहाँ पे आपको वो जमा करने होंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो मंदिर है, इसकी मान्यता ही है यहाँ पे कि जब भी किसी के बेटा होता है तो वहाँ पर उसको लंगूर का रूप दिया जाता है। ऐसे मतलब कुछ मान्यता है वहाँ पर, ऐसे उसको मतलब एक कपड़े पहना के, पोशाक पहना के लंगूर की, और तब पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये 7 द्वार जो आप देख रहे हैं, द्वार जो हैं, ये जो मनुष्य के लिए जो ऐश्वर्य है, धन और जो मुक्ति मार्ग, उस तरह से यहाँ पे ये 7 द्वार बनाए गए हैं। और बताया जाता है कि मान्यता है यहाँ मंदिर की, जो यहाँ पर आते हैं, इन द्वारों से प्रवेश करते हैं, उनके लिए द्वार खुल जाते हैं। तो माता रानी मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करें। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अंदर की तरफ। ये इसके जस्ट मंदिर के राइट साइड में, जैसे आप एंट्रेंस करेंगे, ये जो एंट्रेंस है इसके राइट साइड में जो मार्केट थी, उसका व्यू है। और यहाँ पर बहुत सारी उसी बहुत प्राचीन टाइम की जो स्वीट्स शॉप हैं वो बनी हुई हैं। और ये जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप माता के मंदिर के लिए एंट्री करेंगे। ये मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है, यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, जैसा कि आप सामने देखा भी आपने, ये लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं। और जो मंदिर है वो एक तरह से जैसे गोल्डन टेम्पल का व्यू है, अगर आपने देखा होगा, पानी के बीचों बीच में और एक ब्रिज के ऊपर से जाके आपको वो इसका नज़ारा दिखेगा। सामने जो ही अभी ब्रिज दिख रहा है, और जब आपको सामने की तरफ जो मुख्य मंदिर है वो दिखाई देगा। आपको आगे लेके चलता हूँ। फेस्टिवल और नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पर भीड़ जो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी सुविधा और पूरा इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर जगह जगह फ़ैन लगाए गए हैं और पूरा इसे एक कवर किया गया है, ताकि किसी को धूप में या फिर गर्मी में यहाँ पर लाइन में ना लगना हो। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और मंदिर एकदम वाइट संगमरमर से बनाया है, और जो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो एकदम गोल्डन, जो एक गोल उस तरह से बनाई गई है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। अंदर में भी ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो अभी आप ये सामने की तरफ जो इसकी वॉल देख रहे हैं, ऊपर पूरा गोल्डन का काम है, और नीचे जो सिल्वर चांदी की तरह का ही बनाया गया है। और नीचे का जो फर्श है, ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो इसके पानी का व्यू है, ये एकदम ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। दर्शन करने जब मैं एंट्री की थी मैंने यहाँ से, तो ये सामने का नज़ारा मैंने मिस कर दिया था, लेकिन वापसी में मैंने देखा तो ये भी कितना शानदार बना हुआ है। और जो साइड में गणेश जी की जो प्रतिमा, ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकलेंगे, देखिए ये भी पूरा चांदी का गेट बना हुआ है। और ये मंदिर जो है यहाँ पर बहुत प्राचीन है। और इसके बाहर जो एक मंदिर है वो मैं आपको भी दिखाऊँगा अभी, जब बाहर की तरफ हनुमान जी का मंदिर है, जो कि ये आप देख रहे हैं सामने, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 700 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। ये जो साइड में दुर्गा माता का मंदिर है, और ये जो मैंने यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का और ये शीतला माता का मंदिर है। तो जब आप जाते हैं तो ये मंदिर भी दोनों अवश्य देखें आप।
ये भी एकदम जबरदस्त बने हुए अंदर से। प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं पार्ट 6 अमृतसर आपको कैसा लगा। और अगर आप यहां आते हैं तो आपको 6 रुपये में फैंटा भी पीकर जाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ पार्ट 7 ज़रूर देखें।